सभी बच्चों को नमस्ते। बच्चों आज आप लोग को मैं बताऊंगा तबला के बारे में, ताल के बारे में बताऊंगा, तीन ताल के बारे में। तो आइए, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तीन ताल के बारे में आपको जानने के पहले ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि तीन ताल कितनी मात्रा को कहते हैं, मात्रा क्या होती है, मात्रा जो गिनती होती है उसको मात्रा कहते हैं। और तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, है ना, 16 मात्रा होते हैं। जैसे मैं गिन कर बताता हूँ, आप लोग को म्यूजिक क्लास हुआ करता था तो आपको मैं बताया करता था, शायद आप लोग को याद होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, इस प्रकार से हुआ करता था ना। तो अब जो है कि नहीं, जैसे 1 2 1 पड़ताली है 2 3 4, फिर 5 पड़ताली है 5 6 7 8 9 पर क्या हो गया, खाली हो गया, फिर 9 10 11 12, 9 के बाद क्या हो गया, 9 10, ये हो गया 10 11 12 13, फिर 14 15 16 1, इस प्रकार से, है ना। ऐसे फिर एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, इस प्रकार से होगा। जैसे अब इसको बजाएं, देख लीजिए, जैसे तीन ताल का फूल है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा, गिनती भी हो गया। इस प्रकार से आपको ताली देना है। अब जैसे इसमें इस प्रकार से आपका तीन ताल के बारे में आपको जानकारी हो गई। तो बच्चों आप इस प्रकार से, अब आपके पास तबला तो नहीं है लेकिन आप इसे जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और जिनके घर में तबला हो तो वो इस प्रकार से बजा सकते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार।